और एक एक गोटी एक साथ, और दो दो गोटी कैच करना होता है तो एक बार में। अब तीन, तीन में ये गिरना नहीं चाहिए गोटी, गोटी वैसे गिरा नहीं है। और फिर होता है चार, चार में ऐसे रख दीजिए, फिर एक गोटी लीजिए, फिर ये। अब आता है पचका। हाय एवरीवन, मैं हूं पलक सिंह और आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एक्ट्रेस पलक सिंह पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद करती हूं। तो चलिए अभी आज का ब्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट की हूँ, लगभग सारा काम तो हो ही चुका है, लेकिन आज मेरा सेल्फी स्टिक नहीं मिल रहा जिससे मैं ब्लॉग बनाती थी, वो पता नहीं किधर गुम हो गया। तो शायद आज थोड़ा दिक्कत होगा मुझे ब्लॉग बनाने में, क्योंकि कहीं से कट आउट हो जाएगा। तो रिंग लाइट तो पीछे दिख रहा है जिससे मैं बनाती हूँ, लेकिन हाथ से बनाने के लिए सेल्फी स्टिक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उससे अच्छा भी बन जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल हम ऐसे ही आप लोग से मिलते हैं ब्लॉग के माध्यम से। तो बताइएगा कैसे हैं आप लोग और क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी बस यूँ ही नाश्ता वास्ता हो गया है, बस खाना खाना है। खाना में आज मैं आपको दिखाती हूँ, खाना में आज मेरे मैं बनाई हूँ सबसे पावरफुल हाई विटामिन, इसमें सब सारे विटामिन लगभग पाए जाते हैं। ये देखिए सहजन की, इसको हर जगह अलग अलग नाम से बोलते हैं, कहीं पे सहजन बोलते हैं, कहीं पे मुनगा बोलते हैं, बिहार यूपी में तो मुनगा ही बोलते हैं, ऐसा बिहार यूपी में मुनगा बोलते हैं तो ये, और यहाँ मुंबई में इसको सींग दाना फली ये सभी बोलते हैं। तो ये इसकी सब्जी बनाई हूँ, और इसमें है चावल और इसमें बीन्स आलू की भुजिया, देख रहे हैं लोहे की कढ़ाई में। मैंने बताई थी आपसे जब वगैरह इस टाइप का कुछ बनाना होता है तो मैं लोहे की कढ़ाई में ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, उसमें भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है, इसलिए उसका उसमें सब्जी वगैरह बनाने पे काला हो जाता है, इसलिए सब्जी नहीं बनाती। बट फ्राई वगैरह करना है, भुजिया बनाना है, तो वो सब मैं उसी में बनाती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए। तो चलिए आप लोग बताइए कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी मैं कंटिन्यू तो ब्लॉग नहीं करूँगी, अभी से लेकर के शाम तक का मैं इसमें ये करूँगी, क्योंकि लगभग सारा काम हो चुका है। और मैं बाकी बहुत ज़्यादा धूप है, धूप के साथ साथ हवा भी है, लू जैसा चल रहा है। तो बस यही है, और एक चीज और मैं आपको दिखाती हूँ, ये किसको खेलने आता है, इससे कौन कौन लोग बचपन में खेले हैं। मैं आज इससे पांच गोटी का ये होता है, तो मैं आज ये खेलूंगी और आप लोगों के सामने शेयर करूंगी कौन कौन किनको किनको आता है खेलने और कौन कौन लोग बचपन में इसको ज़्यादा खेले। मैं तो इस गिट्टी से बहुत खेली हूँ, मतलब मेरा बचपन ही यूँ कहिए, इससे वो रस्सी जो स्किपिंग करते हैं वो, बहुत सारा ऐसा कबड्डी है, लुका छिपी, मतलब ये सब बहुत खेले हैं बचपन में। तो आज कल बाहर गए थे ऐसे ही घूमने के लिए शाम को, तो रास्ते में मुझे ये मिल गया था, तो मैं वहाँ से ये थोड़ा सा लेके आई, पाँच छः लेके आई हूँ। मैं देखती हूँ कि अब मैं खेल पाती हूँ या नहीं, वैसे बहुत मज़ा आता है, तो चलिए चेक करते हैं।
पाछे से खेलती हूँ, मैं एक निकाल देती हूँ। मैं बचपन में इसको बहुत खेली हूँ। ये हो गया एक और डेढ़। डेढ़ में होता है दो गोटी एक साथ और एक एक गोटी एक साथ, और दो दो गोटी कैच करना होता है एक बार में। अब तीन, तीन में गिरना नहीं चाहिए गोटी, गोटी में से गिरा नहीं है। और फिर होता है चार, चार में ऐसे रख दीजिए, फिर एक गोटी लीजिए, फिर ये। अब आता है पचका जानगरा। पांच में गिर गई, मतलब ऐसे होता है जब गोटी छूट गया तो मतलब दूसरे दो लोग के साथ में खेलते, दो तीन चार जितने लोग के साथ में, जब गोटी गिर गया तो वो फिर हारता नहीं है, फिर दूसरी की पारी आती है। तो फिलहाल तो मैं अकेले खेल रही हूँ, लेकिन मैं पूरा खेल के दिखाती हूँ। तो ये हो गया पचका में गिरी थी मैं, हाँ पाँच हो गया। अब छः, छः में आप जितना कैच कर सकते हैं, पाँच तीन जितना गोटी साथ में आएगा, ये भी कैच हो गया। और इसमें से अगर ये गोटी मान लीजिए हथेली से नीचे गिर जाता है तो फिर ये फिर यहीं से गेम ओवर हो जाएगा, लेकिन नहीं गिरा। ये हो गया छः। सात में, सात में कैसे होता है, सात में क्या था, हाँ ऐसे था, इसमें ऐसे करना होता है और उसके बाद ऐसे, भूल रहे हम थोड़ा, उतना याद नहीं है। फिर इस तरीके से, हाँ अच्छे, फिर सात, सॉरी वो छः के बाद ना जो सातवां गया था गलत हो गया था, याद नहीं था, ध्यान नहीं था। सात में ऐसे खेलते हैं, अगर आप सारे गोटी को देखिए थोड़ा सा बच गया और फिर ये दो गोटी बची है, जितना आप कैच कर सकते हो उतना करिए। ये हो गया सात, पूरे दस या ग्यारह का होता है। अब आठवां में देखिए, इसको बोलते हैं कैची, अगर ये गिर गया ना तो भी गए काम से। ये हो गया आठ, उसके बाद आठ के बाद नौ में लर्ची आती है, लर्ची में ऐसे एक दो अच्छा एक दो एक एक बार और से ट्राई कर, दो अब ये हिलना नहीं चाहिए, तीन चार पूरा कैच कर लिए। उसके बाद आता है जैसे एक निशान पर, मैं निशान यानी बल लगा सकती, अच्छा इसमें मैं करती हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से निशान है, इसमें दो पार्टनर रहता है तो वो बताएगा कि कौन से गोटी आपको, वो चूज करके बताएगा, कोई ये बता देता कोई वो बताता है, जिसकी मर्जी। तो चलिए मान लीजिए मैं आगे का बोलती हूँ, क्योंकि सबसे कठिन आगे वाला गोटी से होता है, क्योंकि जो गोटी हम अंदर इस लकीर से अंदर करेंगे ना वो इसमें टच नहीं होना चाहिए। बचपन याद आ रहा है मुझे तो शायद आज डिफरेंट ब्लॉग, वैसा ब्लॉग कोई नहीं बनाया होगा, मैं आप सबकी बचपन बचपन की जो यादें हैं वो ताज़ा कर रही हूँ। तो कोई भी एक गोटी ले लीजिए, जो गोटी आपको बताया है उसको छोड़ के चार गोटी में से कोई भी, मान लीजिए मैं ये गोटी बोल रही हूँ, तो अब इसको इस तरीके से उसमें टच नहीं होना चाहिए, टच हो गया तो गया, ये देखिए आ गया। बहुत खेली बचपन में, दो गया। अब इसको ना चाहे वे जितना भी दूर रहे, आगे रहे, पास रहे, इसको एक बार में अंदर करना होता है। तो ये तो है पास में, लेकिन इससे कोई गोटी टच नहीं होना चाहिए। ये अब ये सबको एक बार में आपको कैच करना है। अब ये पूरा खेल हुआ। अब ये अगर एक बार में इतना पूरा कर लेते हैं तो मतलब एक पॉइंट बन गया, दस पॉइंट का खेलिए, बीस पॉइंट का खेलिए, ये मेरा एक पॉइंट, फिर से वैसे ही होगा। तो चलिए सबकी बचपन की यादें मैं ताजा कर दी हूँ इस तरीके से खेल। चलो आप लोग ले लेना, मैं अपना ले रही हूँ, ठीक है। टेस्टी लगता है,
गर्मी इतनी तेज है ना कि ठंडा पीना पड़ रहा है। देखिए, और ठंडा में मुझे सब ठंडा पसंद नहीं है, ओनली मिरिंडा। तो फिलहाल खाना पीना खा करके अभी थोड़ा सा बस बाहर आए हैं ऐसे ही घूमने के लिए। और ये रूम के अंदर ना बहुत गर्मी हो रही थी और बाहर देखिए अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और हवा के साथ साथ अभी इधर साइड में धूप उतना नहीं है, लेकिन इधर दिखा रही हूँ उधर धूप है। इसके लिए मुझे स्टॉल लेना पड़ा कि धूप में सिर गर्म हो जाता है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी। स्टॉल लेना भी हवा में सिर्फ रुक ही नहीं पाएगा, मतलब थोड़ा भागना पड़ेगा तब होगा, लेकिन इतनी तेज धूप है। और मैं एक बनाना लेके आई हूँ, खाना खा ली, लेकिन मुझे केला बहुत पसंद है और रखा हुआ था, मुझे खा ली और बहुत ताकि धूप कम लगे। तो बहुत ज्यादा है, आगे तक नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत धूप तेज है। आ जाओ, क्योंकि खाना खाए थे और इनके अंदर गर्मी देखिए रूम के पास ही सिटी नंबर वाला जो सोसाइटी है उसमें इसलिए बस में थोड़ा सा घूमने चले हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलना चाहिए, सोचे इधर तो धूप नहीं है। स्टॉल ये मैं सिर्फ धूप के कारण ही सर पे रखती हूँ, क्योंकि धूप में ना सिर गर्म हो जाता है। सिर जब गर्म होता है तो फिर तो बहुत से लोग का ऐसा होता है कि जब सिर बहुत गर्म होता है तो नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। मेरा बचपन में होता था, अब नहीं होता, लेकिन फिर भी धूप से ऐसे थोड़ा सा बचना चाहिए। चलिए मैं आ चुकी हूँ रूम के पास। इधर सब मार्केट वार्केट अभी शाम में ना थोड़ा सा अच्छा रहता है। ये डॉगी देखिए, डॉगी फिलहाल मैं आ चुकी हूँ अपने रूम के पास में, मतलब अभी नीचे ही है ग्राउंड फ्लोर पे, लिफ्ट है चौथे फ्लोर पे जाके। गर्मी से हालत खराब हो रही है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और अभी मैं जा रही हूँ पर बस बाहर बहुत देर तक नहीं घूमी, वो थोड़ा धूप बहुत ज़्यादा तेज लग रहा था इसके लिए मैं नहीं घूमी बाहर। शाम में जाएंगे तो, क्योंकि अभी 2:30 बज रहा है, अभी दोपहर ही है, तो खाना खाते भी से ही निकल गए थे। तो चलिए मैं वीडियो को कर रही हूँ एंड। अगर अच्छा लगा हो, क्योंकि नॉर्मल वीडियो ही था, इस वीडियो की खासियत ये है कि वही जो बचपन की यादें हैं, जो गिट्टी गाना गोटी खेलते हैं हम लोग, वही है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, किसको किसको इस वीडियो को देख करके उनको अपनी बचपन याद आई जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।